ओके क्लास क्लास, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में जिसको इम्पोर्टेड यानी विदेशी चीजों का बड़ा शौक होता है। वो बड़ा ही अमीर बच्चा होता है। सर सर, मेरे पापा को भी इम्पोर्टेड यानी विदेशी दालू का बड़ा शौक है सर, पर हम तो गरीब हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल सर? मेरा बिकॉज योर फादर इज अ मोरॉन। मोल तो जानवर होता है और ऑन मतलब होता है ऊपर, तो सेल मतलब मेरे पापा मोल के ऊपर बैठते हैं। हाँ, अब गधा पैदा करके यहाँ छोड़ दिया है तो मोर के ऊपर ही बैठेंगे। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। एक लड़का होता है जिसको विदेशी चीजें पहनने का बड़ा शौक होता है। उसकी घड़ी विदेशी, उसके कपड़े विदेशी, उसके जूते विदेशी, उसके जीन्स विदेशी वगैरह वगैरह। तो एक बार वो छल नाम का निक्कर खरीद लेता है। अब छल नाम तो बड़ा देसी नाम है सुनने में, तो वो अपना निक्कर जो है अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेकर जाता है, जो कि एक पोस्टर के पास खड़े होते हैं जिसमें दुनिया लिखा होता है। अब उसके दोस्त भी उसकी निक्कर देख के यही बोलते हैं कि भाई तेरी निक्कर तो बड़ी देसी है, इसका नाम ही कुछ ऐसा है। तो वो अपने दोस्तों को ये बोलता है कि इस निक्कर का नाम भले ही छल है पर ये देसी नहीं है। उसके इस जवाब पर उसके दोस्त इतनी जोर जोर से हंसते हैं कि उनके पीछे के पोस्टर में जिसमें दुनिया लिखा होता है उसमें से निया मिट जाता है। तो इस पूरी कहानी में बॉलीवुड के कौन से गाने का फॉर्मूला लगेगा? सल सल नहीं पता सल, मैं बताता हूँ। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने आगे मेरा जी।